ठीक है, एक पड़ोसी मुल्क के अदाकारा को लाया गया और $1 मिलियन दिए गए। मैं आज भी किसी का नाम नहीं लूंगा, समझने वाले बिटवीन द लाइन्स। मैं आपको सिर्फ कायदीन में से एक कायद की आपको बात बताता हूँ। ये बात 97 में इलेक्शन होने थे, तो 97 के इलेक्शन यानी ये वो इलेक्शन थे जो मिराज सादिक साहब के जमाने में फारूक लगारी साहब सदर थे और असेंबली दो तरमा की और इलेक्शन होने थे 97 के। तो उस उन इलेक्शन से कुछ रोज पहले, ये बात है शायद जनवरी 97 की, एक इंडियन अखबार, उसका नाम समाचार, उस समाचार में, समाचार अखबार में बड़े मारूफ भारतीय अदाकार फिरोज खान और संजय खान, उनकी एक बहन दिलशाद बेगम, उनका जनाब इंटरव्यू छपा इंडिया में और उन्होंने कहा कि जी मैं तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो इख्तदार में भी आए, मैं तो बहुत बड़ी शख्सियत जो है उनसे मेरे ऐसे मरासिम हैं कि मैंने तो कश्मीर के ऊपर उनसे मैंने बात करके कश्मीर की पॉलिसी मैंने चेंज कर, ऐसे मेरे ताल्लुक आते हैं उनके साथ। अच्छा। और इंडिया में दिलशाद बेगम साहब वो फिर पाकिस्तान जब आई तो उनको सरकारी मेहमान यहां मनाया गया, सरकारी मेहमान के तौर पे वो रही, वो भूर बन जाती थी, वो मरी घूमती थी, वो होटल में थी। और फिर मैंने कल भी आपको बताया था कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी मुस्तकिल टैप करती है टेलीफोन, आईबी भी कर रही होती है, ऐसे भी है, मैं भी करते हैं, पब्लिक से भी करते हैं, तो टेलीफोन पे गाने बकायदा जो है ना गानों की रिकॉर्डिंग हुई कि जी गाने सुना रही हैं दिलशाद बेगम, ये फरमाइश कर रही हैं कि मुझे गाना सुनाया जाए। अच्छा, ये जो जिन शख्सियत की बात कर रही, इनको गानों का शौक था, इनको गानों का शौक है बल्कि, तो ये तो हुआ ना 97, ये पहले जब ये शख्सियत इख्तदार में थी तो उस वक्त एक गुलूकारा, अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, एक बड़ी मारूफ गुलूकारा, गुलूकारा मौसीकी के खानदान से उनका ताल्लुक, ठीक है, अब ये इसको लोग समझने की कोशिश करें, मैं कहा इशारा, मैं अगर समझ जाए, उनका ताल्लुक मौसीकार घराने से, उनकी वालदा बहुत बड़ी गुलूकारा और उनके शौहर एक बहुत बड़े वकील, ठीक है। अच्छा, इनका ये जो मौसूम सियासी शख्सियत, इनका उनके साथ मामला हो गया और ये गाने पे हुआ कि फोनों पे गाने और वो गाने सुना रहे हैं। अच्छा, वो जो खातून गुलूकारा है अभी भी हयात है, एक तो ये हुआ कि उनका घर टूट गया, वो जो वकील साहब थे उनके साथ तलाक का सबब, ये पॉलिटिकल शख्सियत बनी, बहुत बड़ी बड़े बड़ी सियासी शख्सियत। दूसरा ये हुआ कि वो खातून जो थी ना, ये मजलूम नहीं होता, उन्होंने फिर पूरे वो एक ये जो लिफ्ट चेयर्स वगैरह होती हैं जो चलती हैं, ठेके वेके ले लिए और करोड़ों लाखों रुपया उन्होंने भी बनाया।